आज हम देखेंगे कस्टर्ड फ्रूट सैलड की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए रेसिपी अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। यहाँ मैंने 500 ml दूध लिया है, ये फुल क्रीम मिल्क है। अब एक बोल में 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेनी है, उसमें 4 से 5 टीस्पून दूध मिक्स करना है और इसका स्लरी बनाकर साइड में रख देंगे। अब इस दूध को हम गैस पर लो फ्लेम पर गरम होने के लिए रख देंगे। गरम करना है, बॉईल नहीं करना है। अब ये गरम हो चुका है, तब इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। फिर डालेंगे कस्टर्ड मिल्क जो हमने मिक्स करके रखा था, और कस्टर्ड को भी पकने देना है लो फ्लेम पर। जैसे ये कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा थिक होने लगता है, फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 कप अंगूर, 1/2 कप अमरूद जिसे मैंने कद्दूकस करके डाला है, केला जिसे सर्कुलर शेप में काट कर डालना है, और पतले कटे हुए एप्पल। इन सब फ्रूट्स को हमें मिक्स करना है और फिर इसे 1/2 से 1 घंटे के लिए हम रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब 1/2 घंटे बाद ये ठंडा हो चुका है, इसे हम बोल में भरकर सर्व करेंगे। कस्टर्ड फ्रूट सैलड बनकर तैयार है।